यहाँ से 100 मीटर 200 मीटर के बाद कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब बादल इतना ज्यादा है। हम पहले ये वाला जो पहाड़ है ना इसको असेंड करेंगे, फिर डिसेंड करेंगे, उसके बाद जो बादल है वो पूरा मतलब ऐसा हो गया है, वरना उसके पीछे एक और पहाड़ी है। अच्छा। उसको असेंड करेंगे फिर डिसेंड करेंगे फिर आएगा, ऊपर नीचे कर करके ना हमें पहुँचना पड़ेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन फ्रॉम नई। आज हमारा दूसरा दिन है KGL का, कश्मीर ग्रेट इलेक्ट्रिक का, और अभी का सीन ये है कि सुबह के लगभग कितने बज रहे हैं हाफिज, 6 बज रहे हैं, 6:15 ऐसा कुछ टाइम हो रहा है, और फाइनली हमने मतलब अपना टेंट का जो भी सामान था पैक करना शुरू कर दिया है, और इधर देखिए सुबह सुबह चाय तैयार है, हाफिज भाई है वो कह के चाय बनाने में लगे हैं। इसी तरीके से हमारी सुबह हो रही है निचनी में, पहला जो हमारा कैंप सेट था, यहाँ से फटाफट पैकिंग करेंगे, अगर कुछ खाना पीना होगा तो खाएंगे, और यहाँ से निकलेंगे हम आगे। आज कहाँ जाएंगे, विशनसर जाएंगे निचनी पास होते हुए। तो आज का जो हमारा ट्रैक होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट, निचनी पास जो है उसे क्रॉस करने में होगा, बाकी ट्रैक नॉर्मल है। दूसरी बात ये कि आज का जो ट्रैक होगा वो होगा हमारा 12 किलोमीटर का। कल हमने लगभग तकदी विलेज है वहाँ से लेके नीचे 11 किलोमीटर है, लेकिन हमने 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैक किया था सोनमर्ग से, तो लगभग कल 14 किलोमीटर का ट्रैक हुआ था, आज क्या है कि 12 किलोमीटर का ट्रैक है। तो बिल्कुल रेडी हैं हम लोग, फटाफट ढंग से पैकिंग करते हैं और निकलते हैं आगे की तरफ। चीनी और डालना पड़ेगा, अभी अभी बाहर है, और बाहर में क्या नज़ारा है देखिए, चारों तरफ बिल्कुल अपने लेवल में बादल है। ऑफिशियली लोगों ने क्या है कि ट्रक स्टार्ट कर दिया अपना, और अभी हम जा रहे हैं किचन में ब्रेकफास्ट करने। क्या हाल है, अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे शाहिद भाई। शाहिद भाई अंदर बैठ जाए, डे टू का जो हमारा ब्रेकफास्ट है रोटी आलू की सब्जी, जो कि बहुत बढ़िया है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ट्रेकिंग ग्रुप है जो कि धीरे 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 आगे बढ़ रही है, और हम अपने गाइड साहब मतलब हफीज का वेट कर रहे हैं, और जो आसपास माहौल है यहाँ से 100 मीटर 200 मीटर के बाद कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब बादल इतना ज़्यादा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, या हटेगा या बादल धूप खिलेगी तो नज़ारा भी हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल ये पैकिंग हमारी हो गई, टेंट हमने समेट लिया, और अब बस यहाँ से निकलने की देरी है, और हमारे राय भाई आज का क्या एनर्जी है आपका? अभी तो भाई एनर्जी एकदम फुल पावर है, हाँ, हाउस द जोश है सर। हाँ, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो हम चढ़ने वाले हैं, आपने पब्लिक को बताया हम पहले ये वाला जो पहाड़ है ना इसको असेंड करेंगे फिर डिसेंड करेंगे, उसके बाद जो बादल है वो पूरा मतलब ऐसा हो गया है, वरना उसके पीछे एक और पहाड़ी है। अच्छा। उसको असेंड करेंगे फिर डिसेंड करेंगे फिर आएगा, मतलब ऊपर नीचे कर करके ना हमें पहुंचना पड़ेगा। लेकिन आज का ऐसा बताया गया इजी होने वाला है, कल हम लोगों ने 4,000 फीट गेन किया था हाइट, आज हम लोग तकरीबन 2,000 फीट के करीब में गेन करेंगे, जो सुन के अच्छा लग रहा है यार। अच्छा लग रहा है आपको? क्यों नहीं भाई, 4,000 फीट 2,000 फीट में बहुत फर्क है, 4,000 फीट आप जानते हो कितना होता है। चलिए ठीक है, राहिल भाई आज पूरे जोश में हैं। कल का आपको सीन बताते हैं, कल को थोड़ा सा राहिल भाई का एक सीन बताते कि हमने राहिल भाई ने घोड़े वाले से बात की, सामान उस पर रख दिया और मेरा भी रखवा दिया। उसके बाद राहिल भाई ने ऐसे स्प्रिंट लगाया, मैंने कहा बे यार राहिल भाई उड़ जाएंगे क्या? तो उसमें भाई वो नहीं देखा आपने बिफोर एंड आफ्टर वाला सीन, दौड़ते दौड़ते अ फ्यू मोमेंट्स लेटर राहिल भाई लेटे हुए कि भाई हम ही पार बो ना। फिर मैंने देखा राहिल भाई कहाँ रह गया। लेकिन आपकी स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं थोड़ा हल्के हल्के करके ऐसे चलता हूँ, लेकिन साहब भाई जो है वो काफी ज्यादा स्पीड में चलता है। एक्चुअली क्या है कि मैं स्पोर्ट्स में रहूँ ना, इसलिए थोड़ा सा उसका असर है, और भी बात नहीं है। सही बात है, अभी तक आप एकदम स्पोर्ट्स में रहे साहब भाई, मैंने सुना अपने मुझे 2-3 लोगों ने कहा कि आप गाइड हैं, गाइड 2-3 लोगों ने हमसे कहा कि आप गाइड हैं क्या किसी ग्रुप के, मैंने कहा नहीं यार हम ट्रैक करने हैं। तो आपने पब्लिक को बताया कि आपने क्रिकेट जो है प्रोफेशनली खेला, इसलिए आपके साथ में ये सीन है, बताया आपने पब्लिक को? हाँ, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जानते होंगे
नए लोग भी वीडियो देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो उनको भी बताइए थोड़ा सा। हमारे सैफ भाई प्रोफेशनली क्रिकेट खेल चुके हैं, इसलिए 8 साल 9 साल मैंने क्रिकेट खेला है। अब यहाँ से निकलते हैं, ठीक है जी। हाउस द जोश? हाई सर फॉर नाउ। हाउस द जोश? हाई सर फॉर नाउ। आगे देखते हैं राहिल भाई का। ब्रदर चले बढ़ रहे हैं हम अपनी ट्रैक के लिए। टाइम लगभग 7:30 हो रहा है और हमारा ऑफिशियली डे 2 का जो ट्रैक है वो स्टार्ट हो चुका है। रास्ते में हमें मिलेगा एक निचनई पास जो कि हाई ऑल्टीट्यूड पास है, उसे क्रॉस करना है, वो थोड़ा टफ रहेगा हमारे लिए। ये जो चट्टान है इस पर बहुत संभल के पैर रखने का है, क्योंकि बारिश हुई है तो थोड़ा स्लिपरी होगा और पत्थर पर गिरने के बाद कुछ ना कुछ तो टूटेगा, इसलिए बहुत बचा करके चलने का है। क्या खा रहे? दिखाओ दिखाओ, चॉकलेट। क्या नाम है? हैं? महफूजा। क्या रेनकोट निकालना पड़ेगा क्या निशाद भाई? ये हमारे निशाद भाई हैं जो कि हफीज़ के भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। कल से हमारे इन्होंने बहुत ख्याल रखा है, बहुत बहुत शुक्रिया निशाद भाई। इंशाल्लाह आगे भी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, निशाद भाई ट्रैकिंग कराते हैं ग्रुप को और इनकी अपनी एक कंपनी है। हाँ, अगर आप में से जितने भी लोग ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो इन जनाब को ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। निशाद भाई अपना नंबर दे देना हमें। हाँ, कैंप साइट में पूरा बायो एकदम एकदम। बहुत सारे लोग ऐसे ख्वाहिशमंद होते हैं जो ट्रैकिंग करना चाहते हैं लेकिन सही इन्फॉर्मेशन और गाइडेशन वैसे नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक है, आपको घबराने की अब जरूरत नहीं है। निशाद भाई हैं, आपको ट्रैक करा देंगे कश्मीर में, कोई भी ट्रैक सब ट्रैक करा देंगे एकदम। ये देखिए नीचे से कितना ज़बरदस्त ये बादल हमारी तरफ आ रहा है, बिल्कुल नीचे से बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ट्रैक करके हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, काफ़ी ऊपर। यहाँ से एक छोटा सा लेक भी दिख रहा है, बहुत प्यारा सा लेक है छोटा सा। ये जो पानी का चश्मा है इसमें से हमने पानी भरा और ऐसा कहते हैं कि ये जो पानी है बहुत प्योर होता है। एक तो ये पहाड़ के ऊपर से आ रहा है, दूसरी बात कि बहुत सारी जड़ी बूटी से होते हुए ये पानी नीचे आता है, तो ये पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है इंसान के लिए। तो हमने क्या एक बोतल भर ली और थोड़ा पी भी लिया है। जो बादल हमने अभी नीचे की तरफ देखा था वो पीछे करते करते हमारे पास बिल्कुल पहुंच चुका है। ऐसा है कि टाइम लगभग 10:30 हो रहे हैं और फाइनली हम पहुंच चुके हैं निचनई पास जिसकी ऑल्टीट्यूड है 13,200 फीट। और यहाँ से देखिए क्या नज़ारा है, ये देखिए इसका रॉक फॉर्मेशन देखिए क्या ज़बरदस्त लग रहा है। और उस तरफ देख पा रहे हैं कि धूप निकली हुई है, बस धूप निकल जाए तो मज़ा आ जाएगा। निचनई कैंप साइट से निचनई पास पहुंचने में हमें लगभग 2.5 घंटा लगा, 2.5 घंटा हाँ 2.5 घंटा लगा और बिल्कुल ना चढ़ाई है। ये मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, इसका जो रॉक फॉर्मेशन है ना, ऐसे 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 आगे। पानी पीते यार भाई। यहाँ से विशनसर लेक पहले आएगा,
विशन सर पहले आएगा, कितना दूर है यहाँ से? सामने है। कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा लगेगा यहाँ से, और अब 2 घंटा हमें और ट्रैक करना है। अच्छी बात यह है कि यहाँ से जो रास्ता है वो प्लेन है, चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी हमें। कि मैं और हफीज़ अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, और राहिल भाई और इरशाद नहीं मालूम कहाँ हैं अभी। ये जितना भी आप घोड़ा देख रहे हैं, जो सामान लेकर के जा रहा है आगे की तरफ, ये जितने भी लोग कंपनी से आते हैं उनका टेंट, किचन का खाने पीने का सामान, नेक्स्ट जहाँ पे कैंप सेट होगा वो वहाँ पे ले जा कर के पहले से क्या है कि टेंट वेंट लगा के रखते हैं और किचन का सेटअप करते हैं, खाना पीना बनाते हैं। फिर क्या है कि जब ये लोग पहुँचते हैं तो इनके लिए खाना वहाँ पर रेडी मिलता है। ये हमारे हफीज़ भाई, और क्या है हफीज़ भाई, कहाँ रहेंगे वो लोग? बढ़िया, मैं तो यहीं पर बस। वो किधर रहेंगे? पीछे आ रहे आराम से। ये निचनई पास से फिर से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से विशनसर लेक। अच्छी बात ये है कि धूप निकल चुका है, अब देखिए जो नज़ारा दिखेगा ना, शानदार। बस विशनसर लेक बहुत खूबसूरत लेक है, वहाँ पे धूप दिखना चाहिए तभी उसकी खूबसूरती निकल कर आएगी। और यहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि हमें ये वाला कैब निकालना पड़ा। जैकेट क्या है कि हमने यही वाला जैकेट सिर्फ रखा हुआ है, अंदर में एक टी शर्ट हमने पहन रखा है। इस ट्रिक का पहला ये देखिए ग्लेशियर हमें मिला है, जो कि यहाँ पे जमा हुआ है निचनई पास के बिल्कुल पास में। टाइम जो है 12:15 हो रहा है, जो निचनई पास था वहाँ से हमें 2.5 घंटे लगा, और फाइनली हम पहुँच चुके हैं विशनसर कैंप साइट के पास। आप देख सकते हैं उधर टेंट लगा है, आगे भी हम जाएंगे, इधर कहीं आसपास लेक होगा। बहुत मेहनत लगी है यहाँ तक आने में, कि अब हमें ऐसा लग रहा है कि लेक को देखने का मौका मिलेगा। मैंने इस लेक के बारे में बहुत सुना है कि इस ट्रैक में जो कश्मीर ग्रेट लेक ट्रैक है, इसमें सबसे खूबसूरत लेक जो है वो विशनसर लेक है। तो देखते हैं कैसा है। माशाल्लाह, हाँ ऐसा लगता है कि विशनसर लेक सबसे पहले हम ही पहुँचे यहाँ पे। और यहाँ से देखिए ऐसा है कि इतना चलने के बाद, लगभग 13 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद, एक हाई ऑल्टीट्यूड पास करने के बाद, निचनई पास जैसे बोलते हैं, उसके बाद 2.5 घंटा हमने ट्रैक किया, और फाइनली इस नज़ारे की उम्मीद थी यहाँ पे। और क्या ही ज़बरदस्त यहाँ से नज़ारा दिख रहा है। और सच बताऊँ तो यहाँ पे कम से कम इस ट्रैक को करने के लिए 1000 लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे सबसे पहले मैं ही पहुंच गया हूँ। और यहाँ से जो लेक का नज़ारा दिख रहा है बहुत शानदार, कि हम ना घोड़े वालों के साथ चल चल के बहुत पहले पहुंच गए हैं, बहुत पहले पहुंच गए। तो ये है विशनसर लेक, जो कि बहुत ही खूबसूरत लेक है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी मेहनत बिल्कुल दिख रही होगी, और ये भी उम्मीद करेंगे कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करेंगे।
मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक तो आने ही चाहिए, कम से कम 100 कमेंट आ जाए तो और भी मज़ा आ जाएगा। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। आपने टेंट लगा दिया? ये देखिए हाफिज़ भाई ने माशाल्लाह क्या टेंट लगा दिया हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यार। इस ट्रिक में अब तक जो हमारा खर्च हुआ वो बता देते हैं आपको कैसे। अगर आप ट्रिक करेंगे पैकेज लेकर के तो 15,000 रुपया 20,000 रुपया एक आदमी का यहाँ पे लोग लेते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको सामान उठाने की ज़रूरत नहीं है, घोड़े पे खच्चर पे आपका सामान कैंप साइट पर पहुँच जाएगा, आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ चलना होता है। बस एक छोटा सा बैग रख लीजिए जिसमें आपका टी शर्ट वगैरह हो, पानी का बॉटल हो, बस इतना। बाकी क्या है कि सारी चीज़ें हैं ना आपको मिल जाती हैं यहाँ पे, जैसे टेंट हो गया, खाना हो गया, आपका सामान खच्चर से आ जाता है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जब आप 20,000-15,000 रुपया पे करते हैं। तो अभी हमने पता ही किया था एक लड़के से कि इस ट्रैक का आपने कितना पैसा दिया है, तो उसने बोला कि 20,000 रुपया। लेकिन अभी हम अपना बताते हैं कि हमने अपना सामान खुद से उठाया खच्चर बन के नहीं, खच्चर बन के नहीं, इंसान बन के, और खाना भी हम अपने साथ लेकर के आए। लेकिन हफीज़ भाई के जो दोस्त हैं इरशाद भाई, उन्होंने कहा है कि खाना हम आपका बना देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो ये एक मेहरबानी हो गई हफीज़ के होने से हमारे साथ। आज ये टेंट है, टेंट हमने अपना नीचे रख दिया क्योंकि ये हफीज़ कह रहा था कि मेरे पास 4% टेंट है, तो मैंने कहा अपना टेंट लेके जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कि हफीज़ के होने से हमें वो सारी सुविधाएँ मिल रही हैं जो 20,000 रुपये खर्च करके लोग यहाँ पे आ रहे हैं। बस क्या है कि हमें अपना 15 किलो 16 किलो का ना बैग उठा के ऊपर आना पड़ रहा है। तो मिल गया मौका यहाँ पे टेंट लगाने का। हाउ आर यू ब्रदर, कितने बजे पहुँचे आप? हम तो 11 बजे। हाँ दोनों भी दोनों स्पीड वाले हैं। क्या हाल है साहब भाई? एकदम बढ़िया यार, तो आराम से शाहिद भाई के साथ में रुकते रुकाते आप 3 बजे पहुँचे हैं। अरे हम एंजॉय कर रहे थे ना, हम लोग बहुत रुके हैं, हम एंजॉय कर रहे थे। घूम के आए विशन सर? देख हाँ मैंने घूम लिया, कोई नहीं, थोड़ी देर में हम जाएंगे, कुछ देर में जाएंगे आराम से। ठीक, तो दोस्तों थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करते हैं। कुछ ज्यादा स्लो नहीं चल के आए आप? कौन भाई, मैं क्या बता रहा हूँ, अब इनसे पूछी ना ज्यादा, पौन पौन घंटा हम लोग रुके इनका। क्यों क्यों रुक रहे इतना, क्या जरूरत, इतना क्यों रुक रहे हैं भाई, क्यों, क्या हो गया? जल्दी आइए, खाना शाना बनाइए, भूख लगी है। एक जगह ऐसा हुआ कि पूरा पानी वाला वो वाला एरिया था, मिट्टी का। क्या हुआ, मेरा आगे फ्रेंच बंदा चल रहा था, वो एकदम से फिसलने लगा, मैं उसको बोला पीछे से केयरफुल। हाँ। उसके बाद में मैं उधर वाली साइड से पूरा ऐसा घूम करके गिरा एक बार। आप फिर दोबारा? आप गिरे? हाँ मैं दोबारा खड़ा हुआ, आगे बढ़ा, फिर से गिरा। देखिए ना, ले जींस वींस ले वो करिए, पूरी गीली टी शर्ट अभी भी गीली है, मेरा बैग जो है देखिए पूरा तौलिया निकाल के मैंने साफ किया बैग। मतलब दो बार गिरे आप? हाँ दो बार गिरे, एक बार गिरा ना उठा जैसे, अंदर अंदर आके बताइए ना भाई। एक बार गिरा जैसे उठा, फिर दोबारा गिरा, फिर दोबारा गिरे, मतलब वो पूरा वैसे वाला कीचड़ वाला था। कैमरा ऑन है जनाब? कैमरा ऑन है राहिल भाई। ये देखिए जब तक चिकन बन रहा है, उससे पहले इरशाद भाई हमारे लिए चाय लेके, चाय और पकौड़ा लेकर के आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। How's it? Amazing. आजा। वीडियो कहाँ बना है? ये बन रहा है वीडियो। हाँ। चेस करके पिएंगे ना। कैसा लगा भाई जाना? बहुत बढ़िया। अच्छा लगा? आज आज की चाय इन नजारों के साथ। हाँ। चेस पियो। यहाँ पे चिकन को यहाँ पे कुकड़ू बोलते हैं, कुकड़ू। क्या बोलते हैं? कुकड़। वेरी गुड। इसी गाने में हमने सुना था ना, मुंडा कुकड़ कमालदार। स्टूडेंट ऑफ यार। ये रात के लगभग 9:20 हो रहे हैं, जो चिकन हमने बनाया था वो खाने का टाइम आ गया है। फिलहाल ये लोग देखिए टूट पड़े हैं, ये हमारे शाहिद भाई, ये हमारे राहिल भाई, ये हमारे हफीज भाई। मैं बस छूट गया था डिनर में, आज हमारा चिकन चल रहा है। बिस्मिल्लाह करते हैं। कैसा बना है पहले बताओ? एकदम बढ़िया बढ़िया बना हफीज। बढ़िया 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 शाहिद भाई, खाने में तो बना है। राहिल भाई बहुत जबरदस्त,
बस ये तो तारीफ सुनना चाहते हैं बस। अम्मी कर दी थी वीडियो है। अच्छा मैंने इन लोगों को साथ था भाई लोगों के साथ। हाँ देखिए भाई ऐसा है कि टाइम हो रहा है 10:01 और फाइनली हमारा डिनर हो गया। हम अपने स्लीपिंग बैग के अंदर आ गए। इधर थोड़ा थोड़ा दिखा दे, ये हमारे हफीज़ भाई इधर सोए हैं, इधर राहिल भाई और इधर साइड में हम सोए हैं। ये इस तरीके से आज का ये पूरा दिन एंड होता है और कल इंशाल्लाह हम निकलेंगे गटसर लेक के लिए जो कि 15-16 किलोमीटर का ट्रैक होगा। तो चलिए क्या करते हैं कि इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह।